हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम श्राद्ध यानी पितृपक्ष के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, श्राद्ध कम तो ज्यादातर सभी लोग करते हैं, परंतु पूरी जानकारी ना होने की वजह से कुछ गलतियां भी करते हैं, जिसकी वजह से उसका श्राद्ध कम पूरा नहीं हो पाता और अनजाने में ही उन्हें पितृदोष लग जाता है। इसलिए यहाँ हम उन बातों को बता रहे हैं जिनको श्राद्ध कर्म में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, श्राद्ध तिथि से पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलावा दे। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम क्रिया कार्य और श्राद्ध कार्यों में विद्वान ब्राह्मण का होना जरूरी है। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आप ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बिठाएं। श्राद्ध में 1, 5, 7, 11 कितने भी ब्राह्मणों को जिमा सकते हैं। पितरों की पसंद का भोजन बनाएं, दूध दही घी और शहद के साथ अन्न बनाएं। अन्न के पकवान मतलब जैसे खीर आदि बनाएं, खीर पूरी आदि। देखो, जब श्राद्ध का खाना बनाते हैं तब पहली पूरी से अग्निदेव को जिमाते हैं, फिर 2 पूरी गाय की निकालते हैं, फिर 1 प्लेट में 4 पूरी रखें। जो भी भोजन आपने तैयार किया है वो सब थोड़ा थोड़ा गाय की और इन 4 पूरियों पर रखें। ये 4 पूरियाँ कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए होती है। इसके बाद हाथ में जल, चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं। गाय की पूरी और देवता के लिए निकाले गए भोजन को गाय को खिला सकते हैं। चींटियों के लिए निकाले भोजन को पार्क में या किसी कच्ची जगह पर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। चींटियों का भोजन गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाएं, यथाशक्ति कपड़े, अन्न या फल और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय और सबको जिमाते समय ध्यान रखें सफाई का। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आप शांत चित हो, क्रोध ना करें, धैर्य से पूजा पाठ करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं। गुस्से से किया हुआ श्राद्ध कार्य नहीं लगता। श्राद्ध क्रम में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। ये और ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुका हो। 10 दिन के अंदर बछड़े का जन्म देने वाली गाय के दूध का प्रयोग श्राद्ध क्रम में नहीं किया जाता। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें, बहुत अच्छा होता है, बहुत पुण्यदायक होता है। ये राक्षसों से हमारे श्राद्ध की रक्षा करता है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ अगर पानी भी दिया जाए तो ये भी अक्षय तृप्ति देने वाला होता है। पितरों के लिए अर्धपिंड और भोजन के लिए बर्तन भी चांदी के हों तो बहुत ही अच्छा है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए, क्योंकि एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। जैसे आप जब परोसने के लिए उनको किसी डोंगे में सब्जी लेकर आए तो आपने ऐसे एक हाथ से पकड़ रखा है, वो गलत होता है। हमें दोनों हाथ से पकड़ के लाना चाहिए। अगर आप थाली उठा के लाते हैं वो भी दोनों हाथ से उठा के लेकर आए। देखो, एक बात हमेशा याद रखो, हम जब भी कुछ शुभ काम करते हैं देवताओं या पितरों के लिए, उस पर राक्षसों की नज़र भी रहती है। जैसे हवन में जब हम हवन सामग्री डालते हैं तो जो भी सामग्री हवन कुंड के बाहर गिरती है उसका भक्षण राक्षस करते हैं। ये हमें पता नहीं होती हैं बातें, बट ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे ही राक्षस पितरों के भोजन पर भी नज़र रखते हैं। ब्राह्मणों को भोजन चुप रहकर करवाना चाहिए, बातें करते हुए नहीं। साथ ही जो हमने खाना बनाया है उसकी प्रशंसा किए बिना भोजन करवाना चाहिए। बार बार नहीं पूछना चाहिए कैसे सब्जी बनी है, कितनी अच्छी बनी है ना, क्योंकि पितर तभी तक भोजन करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। अगर कोई पितर शस्त्रों से, जलकर, आत्महत्या से या बिजली से मारे गए हो, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी मुक्ति जल्दी होती है। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंड दान पर नीच मनुष्यों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, वो पितरों तक नहीं पहुंचता। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध क्रम करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मण हीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कंगनी, मटर का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है, मतलब बहुत फलदायी।
वास्तव में जो तिल होते हैं वो पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करती है। कुशा जो एक प्रकार की घास होती है वो भी राक्षसों से हमारे श्राद्ध को बचाती है। श्राद्ध का खाना बनाते समय हींग और सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और चीज याद रखें, दूसरे की भूमि पे श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ, मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते क्योंकि इन पे किसी का स्वामित्व नहीं होता। इन स्थानों पे श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मणों का चयन करते समय ना सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण को चुनकर ही बुलाना चाहिए क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मण द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, बेटी, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराते, उनके यहाँ पितरों के साथ देवता भी अनग्रहण नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि बहन और बेटी के बच्चे यानी नाती और भांजे को भोजन करवाना अधिक पुण्यदायी होता है। इससे उनका श्राद्ध क्रम अच्छे से पूरा होता है। श्राद्ध भोजन उन्हें जरूर कराएं। अगर उनका आना पॉसिबल ना हो तो उनके निमित्त खाना भेजें। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कम पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। जो हमारे पितर होते हैं वो ये नहीं समझ आता कि वो किस रूप में आएंगे। कई बार वो पंछियों के रूप में भी आते हैं, इसलिए श्राद्ध के जो 16 दिन होते हैं उसमें स्पेशली कहा जाता है कि पंछियों को अन्न जल दो, ये बहुत अच्छा होता है। पुरुषों का श्राद्ध पुरुषों को, महिलाओं का श्राद्ध महिला को दिया जाना चाहिए। मतलब आप जो भी ब्राह्मण जिमाए वो पुरुष हो या स्त्री, ये निर्भर करेगा आप किसका श्राद्ध कर रहे हो। जैसे अपने दादी का श्राद्ध करते हुए हम किसी विधवा ब्राह्मणी को आमंत्रित करते हैं, बाबा के श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाते हैं। एक बात और ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, युगम दिन मतलब एक ही दिन में जो दो तिथियों का योग हो, तथा अपने जन्मदिन पे कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। ये समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करते। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्यता, अलौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए अमावस्या को पूर्वजों का दिन माना जाता है। श्राद्ध में ये चीजें होना जरूरी है, गंगा जल, दूध, शहद, कुशा और तिल। केले के पत्ते पे श्राद्ध भोजन नहीं परोसना चाहिए। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र सबसे उत्तम होते हैं। तुलसी से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुण पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं, इसलिए जो भी आप श्राद्ध कार्य करें उसमें तुलसी जी जरूर डालें। श्राद्ध में कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ हैं जो हमें यूज नहीं करने चाहिए, जैसे मसूर, राजमा, कोदो, चना, अलसी, बासी भोजन, समुद्र जल से बना नमक, भैंस, हिरणी, ऊंटनी, भेड़ और एक खुर वाले पशु का दूध भी हमें श्राद्ध में यूज नहीं करना चाहिए। भैंस का घी वर्जित नहीं है। श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए को विशेष तृप्ति देने वाला माना गया है। श्राद्ध भोजन में खीर का बहुत महत्व है, इसलिए भोजन में खीर जरूर बनाएं। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम पंचमी और छठ दोनों तिथि का श्राद्ध कर रहे हैं, पंचमी तिथि को हमने जो भी चीजें बनाई हैं अगर उनमें से कुछ बच जाती है तो उसका प्रयोग अगले दिन श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। अगले दिन हमें फ्रेश खाना ही बनाना चाहिए। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज नहीं यूज करना चाहिए, प्योर सात्विक भोजन बनाएं। घर के किचन में ही बनाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। इसमें हम उड़द की दाल के बड़े, दूध घी से बने पकवान, चावल की खीर, बेल पर लगने वाले मौसमी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, सीताफल और कच्चे केले की सब्जी बनाएं, वो बहुत अच्छा होता है। देखो एक चीज वैसे हमेशा ध्यान रखो, हमें रसोई में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, पर आजकल मैं देखती हूँ कि सभी लोग किचन में चप्पल पहनने रहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें श्राद्ध का खाना बनाते समय या तो चप्पल ना पहने और अगर पहनी ही है तो लकड़ी की चप्पल पहने, क्योंकि लकड़ी को हम शुद्ध मानते हैं। पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों का ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों में जो पितर होते हैं वो आपके घर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। पितरों को याद करते हुए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन दिनों को बिताना चाहिए, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध से परहेज रखें। श्राद्ध में चने का सेवन किसी भी रूप में वर्जित है, यहाँ तक कि चने का सत्तू भी नहीं खाया जाता।
वैसे श्राद्ध में किसी भी तरह का सत्तू नहीं खाना चाहिए। याद रखें, पितृ पक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलगम, मांस, लहसुन, प्याज, ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध में वैसे तो किसी भी तरह का कच्चा खाना यानी दाल, चावल, रोटी ना खाई जाती है ना खिलाई जाती है। फिर भी कुछ दालें हैं जैसे मूंग और उड़द की दाल के हम दही बड़े बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल को हम किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करते। श्राद्ध में काले तिलों का प्रयोग करें, लाल या सफ़ेद तिलों का नहीं। इस दौरान कोई भी शुभ काम, नया काम, पूजा पाठ, अनुष्ठान संबंधी काम नहीं किए जाते। श्राद्ध नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। नित्य कर्म, देवताओं की नित्य पूजा जो पहले से होती आ रही है उसको बंद नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष के जो 16 दिन होते हैं वो सूतक नहीं है बल्कि पितरों की पूजा का विशेष समय है। भोजन आदि में ब्राह्मणों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है। ध्यान रखें कि जिसका श्राद्ध कर रहे हैं उससे जो बड़े लोग हैं परिवार के, जो और सदस्य उस व्यक्ति से बड़े हैं, वो श्राद्ध का खाना नहीं खाएंगे, उनका खाना अलग से बनता है। जैसे यदि पति का श्राद्ध पत्नी कर रही है, जैसे यदि पति का श्राद्ध पत्नी या पुत्र कर रहे हैं तो माता उस श्राद्ध का खाना नहीं खाएगी। श्राद्ध का खाना सबके लिए एक साथ घर में बनना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, जिसका श्राद्ध कर रहे हैं उससे बड़े जो परिवार के और सदस्य हैं वो श्राद्ध का खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई किसी घर में पति का श्राद्ध हो रहा है, उसकी पत्नी अभी है, तो वो जो पत्नी है वो उस श्राद्ध का खाना नहीं खाएगी, उनके लिए अलग से खाना बनेगा। एक और बात, जो श्राद्ध का खाना है वो घर में ही बनना चाहिए और सबके लिए एक साथ बनना चाहिए। किसी आपत्ति की, मतलब बहुत ही कोई परेशानी है, घर में कोई बनाने वाला नहीं है, तब आप बाहर हलवाई से बनवा सकते हैं। परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं कि पंडित जी के लिए घर में खाना बना ले और बाकी सब लोगों के लिए हलवाई से खाना बनवाएं, ये सही नहीं है। याद रखें, श्राद्ध भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। गौ माता के लिए घर में रोज ही पहली रोटी निकालनी चाहिए, पर यह नियम पितृ पक्ष में अति आवश्यक हो जाता है। जिन घरों में पहली रोटी गाय की नहीं निकाली जाती वहां भी इन 16 दिनों में गाय की रोटी निकालना बहुत जरूरी है। श्राद्ध के 16 दिनों में कम से कम जल से तर्पण जरूर करें। चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहां पानी की कमी है, जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितर प्यासे ही रहते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष वास्तव में घर के पूर्वजों का समय होता है जो मृत होते हैं, और मृत्यु को किसी भी धर्म या संस्कृति में एक बहुत ही दुखद घटना माना जाता है। इसलिए इस अवधि के दौरान लोगों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि उस घर में नहीं किया जाता जिसमें किसी की मृत्यु हुई हो। जैसा कि ना तो नए कपड़े खरीदने चाहिए, ना नए कपड़े पहनने चाहिए, ना ही अपने बाल कटवाने चाहिए। यहाँ तक कि जिस दिन पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान या पूजा करते हैं उस दिन उन्हें दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। महिलाएं विशेषकर उस दिन अपने बाल नहीं धोएं। इस अवधि में नया व्यापार प्रारंभ करना, शादी के काम करना, शॉपिंग वगैरह करना, किसी प्रकार का जन्म समारोह या गृह प्रवेश या कुआ पूजन, ये ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस अवधि में मांसाहार भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसमें प्याज और लहसुन हो। इन दिनों में पूर्वजों की याद में भोजन बनाया जाता है, इसलिए अगर कौवा, जिसे यमदूत का प्रतीक माना जाता है, वे भोजन खा ले तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस श्राद्ध पक्ष की अवधि के दौरान गरुण पुराण, अग्नि पुराण, नचिकेता की कहानियां और गंगा अवतरम को पढ़ना शुभ होता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न आता है कि कान्हा जी के भोग की थाली श्राद्ध वाले दिन पहले निकाले या बाद में। तो उत्तर में हम ये कहते हैं कि श्राद्ध में सबसे पहले अनंत काल निकाला जाता है जिसमें गाय, देवता, कुत्ते, कौवे और चींटी का भाग होता है। इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर ब्राह्मण को जिमाएं, क्योंकि जो पितर होते हैं वो कान्हा जी के प्रसाद को पाना चाहते हैं, ब्राह्मण भी कान्हा जी के भोग को खाना चाहते हैं। और पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि कान्हा जी के भोग में देखो हम तुलसा जी डालते हैं, वो तुलसा जी सारे खाने में मिलती है, और तुलसा से जो वही तुलसा जी वाला खाना ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो उससे पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।